बढ़ते आगे, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये स्टॉक है आज भरपूर एक्शन में। क्यों है ये स्टॉक एक्शन में, आइए जरा इस पर राय ले ली जाए, समझ लिया जाए वजह क्या है। अरमान हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। अरमान बताइए। जी सर, अगर उनका प्रेस रिलीज पढ़ेंगे तो आपको हाईएस्ट ईवर बहुत बार दिखेगा। सबसे पहले भले सालाना देख लीजिए या तिमाही देख लीजिए, हाईएस्ट एवर सेल्स दर्ज करी है। प्रोजेक्ट डिलीवरीज की बात करें वहां पर भी सालाना देख लीजिए या तिमाही देख लीजिए, हाईएस्ट एवर रही है। कारोबार में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए कंपनी का ये अभी तक का सबसे अच्छा जो है वर्ष रहा है। और अगर आप FY23 की बुकिंग्स की बात करेंगे तो जो उन्होंने गाइडेंस दिया था उससे दोगुना जो है नंबर्स आते हुए दिखे हैं। अब स्पेसिफिकली अगर सबसे पहले बुकिंग की बात करें तो Q4 में रिकॉर्ड बुकिंग इनकी आती हुई दिखी है, लगभग 4,050 करोड़ के आसपास जो है बुकिंग्स आती हुई दिखी है। ये तो Q4 की बात करी, अगर आप FY23 पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहां पर भी बुकिंग में आपको 56% की बड़ी बढ़ोतरी दिखेगी। सेल्स वॉल्यूम्स की बात करें तो Q4 में अगर आप QOQ देखें तो सेल्स वॉल्यूम 19% बढ़कर आया है, और ये अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहां पर भी आपको 40% जितनी बड़ी जो है सेल्स वॉल्यूम में बढ़ोतरी दिखेगी। कैश कलेक्शन स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो वहां पर भी आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। Q4 में कैश कलेक्शन 130% के आसपास बढ़ गया है क्योंकि, और FY23 पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें वहां पर भी 40% बढ़ के आता हुआ दिखा है। और जैसा कि मैंने कहा था, जो गाइडेंस दिया था बुकिंग का वो लगभग उन्होंने 15,000 का दिया था, और जो नंबर्स आते हुए दिखे वो 32,000 करोड़ के आते हुए दिखे। तो सभी पैमाने पर आपको हाईएस्ट एवर क्यू देख लीजिए, FI देख लीजिए, आपको बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखे अपडेट्स में। दमदार अपडेट्स गोदरेज प्रॉपर्टीज के आते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं के दम पर एक्शन। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यही एक्शन आगे भी रहेगा, क्योंकि मार्च के महीने में काफी कुछ वो कैपिटल गेन्स के फायदा उठाने के लिहाज से भी काफी कुछ हुआ। एक बार जरा संजीव सर से राय ली जाए इस पर, रियल एस्टेट सेक्टर पर। सर इस बार तो बड़े तगड़े अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, क्या व्यू है आपका रियल एस्टेट सेक्टर पर, और अगर आपको कोई पसंद है रियल एस्टेट स्टॉक तो बताएं सर। जी अनिल जी, रियल एस्टेट देखें तो लास्ट वन ईयर में बहुत मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है, और सबसे बड़ा इसका जो रीजन था वो है राइजिंग इन्फ्लेशन और जो रेट हाइक साइकिल हुआ उसकी वजह से ये पूरा अंडर परफॉर्मेंस आया है। हालांकि देखें जो मंथली मंथ जो अपडेट आ रहे हैं हमको देखने को मिला है वो इतने खराब नहीं थे, और ये मंथ में तो बहुत ही अच्छा है, पार्टली ड्रिवन बाय जो एंड ऑफ द फिस्कल ईयर का है। लेकिन अगर देखें कि NAV एक टाइम में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का प्रीमियम में ट्रेड करते थे, अभी अगर देखें वैल्यूएशन जो मार्केट कैप टू NAV है इसका 40-50% के डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी तो RBI ने एक पॉज लिया है, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन में सुधार आते जाएगा और RBI रेट कट साइकिल चालू करेगा, ये जो डिस्काउंट है NAV का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द गुड मैनेज रियल इस्टेट कंपनी। तो यहाँ से मेरा एक पिक है जो मैं पोजिशनल में देना चाहूंगा, वो है शोभा लिमिटेड। हमने देखा है कि किस तरह का नंबर्स उन्होंने डिलीवर किया है ये क्वार्टर को लेकर, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स नंबर्स है, और सबसे बड़ी बात ये कंपनी की इनके पास जो पाइपलाइन है ऑलमोस्ट 11 मिलियन स्क्वायर फीट की लॉन्चेस की पाइपलाइन है, और जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो लगभग कम से कम 12.3 मिलियन स्क्वायर फीट की है, तो पूरा इन्वेंट्री मिला के 23 मिलियन स्क्वायर फीट की है। और इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रहा है जो कि डेट को नीचे ला सकता है, और अभी भी देखें NAV से ये 40% डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 630, लेकिन थोड़ा इसको पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा पेशेंटली होल्ड करिए बट शोभा पर रखिए नजर। तो रियल एस्टेट पर मूव आ ही रहा है, और फिर संजीव सर को शोभा पसंद भी है, अपडेट्स भी इसकी तरफ से भी दमदार आए हैं, रिकॉर्ड पिछले साल में हमने इनकी सेल्स होती हुई देखी है।